जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं संगीता ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है नंबर 2 के लिए। कोई भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूल्यांक है नंबर 2। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर आपका भी मूल्यांक नंबर 2 है या आपके आसपास नंबर 2 वाले कोई भी व्यक्ति है तो आप भी देख सकते हैं ये वीडियो और जान सकते हैं उनके स्वभाव के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, क्या कुछ अच्छी बातें हैं, क्या कुछ बुरी बातें हैं, क्या उनको करना चाहिए। यही कुछ एक बातें हम आज करेंगे मूल्यांक 2 के बारे में। मूल्यांक 2 को अगर हम कहें ईश्वर का बच्चा तो कुछ गलत नहीं होगा। मूल्यांक 2 को रूल करता है चंद्रमा। जिस तरह से मूल्यांक 1 को सूर्य रूल करता है, उसी तरह से मूल्यांक 2 का स्वामी है चंद्रमा। और जिस सूर्य पिता का कारक है, उसी तरह से चंद्रमा माता का कारक है। तो वैसे ही कुछ ये होते हैं लोग, कोमल, इमोशनल और बहुत ही चंचल स्वभाव के। ये लोग चंद्रमा की तरह बहुत कोमल होते हैं। इन लोगों को अगर हम ट्रस्ट बिल्डर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते अगर कोई इन पर ट्रस्ट करे। और दूसरी ही तरफ एक बात होती है कि अगर ये किसी पर ट्रस्ट करे तो अक्सर देखा जाता है इनका ट्रस्ट टूटता है हमेशा और ये दुखी होते हैं। नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं नंबर 2 वाले। सोचते बहुत हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये बोलते बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये अपने दिल की बात हर किसी से नहीं बोल पाते हैं। मूल्यांक 2 वाला व्यक्ति अगर कोई बहुत ज़्यादा इनके करीब हो, बहुत ज़्यादा ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तभी उनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। अन्यथा ये हर किसी को अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं। मूल्यांक 2 वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसी तरह से इनके बारे में, इनके लिए क्या प्रोफेशन सही रहेंगे उनके, उसके विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टीचिंग इनके लिए बहुत सही रहेगी, क्योंकि ये समझाते, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और उस चीज़ को ये दूसरों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और अगर ये टीचिंग के फील्ड में जाते हैं तो बहुत आगे निकल सकते हैं। डिज़ाइनर, कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, किसी भी फील्ड में ये जाते हैं तो ये किसी से पीछे नहीं रह सकते, ये बहुत आगे निकलते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वालों की, मूल्यांकन 2 वालों की वीकनेस के बारे में। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कई बार इनके लिए इनकी वीकनेस भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये अपने दिल की बात हर किसी से नहीं शेयर कर सकते और सोचते बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अक्सर देखा गया है कि मूल्यांकन 2 वाले लोग डिप्रेशन के मरीज पाए जाते हैं। क्योंकि सोचना इनकी एक नेचर होता है, जिस तरह से चंद्रमा एक स्थान पर नहीं रहता, उसी तरह से इनका मन भी अंदर ही अंदर इनके हज़ारों विचार चलते हैं और ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं। तो ऐसे होते हैं नंबर 2 वाले। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ ध्यान दें तो कुछ एक हम चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये प्रेडिक्शन होती है वो दिखाई जाती है, ताकि अगर हमारी कोई वीकनेस हो तो हम उसे समझ सकें। हर किसी मूल्यांकन 2 वाले लोग सबसे अधिक मददगार होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं। तो अगर कोई भी इनके सामने इनको ऐसा दिखे जिसके लिए इनको ज़रूरत है इनकी हेल्प की, तो ये ज़रूर आगे आते हैं। अभी बात करते हैं हम मूल्यांक 2 के कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं मूल्यांक 2 वाले। अमिताभ बच्चन जी, इनको तो सभी जानते हैं, उनका मूल्यांक भी 2 है सच। शाहरुख खान, कौन नहीं जानता उनको, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग क्या है वो भी हम जानते हैं, कैसे चार्मिंग है वो। ऐसे ही होते हैं मूल्यांक 2 वाले। जी हाँ, शाहरुख खान जी भी मूल्यांक 2 वाले हैं। तो मूल्यांक 2 वालों के लिए अगर हमारी कोई एडवाइस रहेगी तो उनको दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये ज़िंदगी में किसी चीज़ में धोखा खाते हैं तो सिर्फ़ एक बात से, कि इनका जिस पे ये ट्रस्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट बहुत जल्दी टूट जाता है, और जिससे ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं।
मूल्यांक दो वाले, तो उसी के कारण कई बार ये डिप्रेशन की बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं। तो इनको ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करना। तो ये थी कुछ बातें मूल्यांक दो वाले लोगों के लिए कैसे होते हैं, और कुछ एक इनकी अच्छी बातें और कुछ एक इनकी वीकनेस। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मूल्यांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं अगर इसके बारे में आपने जानना है तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। कोई भी अदर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।